साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई, आपको पता है भाई, अगस्त में काफ़ी सारी अच्छी न्यूज़ फ्लाइट से रिलेटेड अभी चल रही हैं। ख़ास तौर से ज़्यादातर लोगों को चाहिए कौन सी फ़्लाइट, इंडिया से बाहर कंट्रियों के जाने के लिए। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारी दुनिया वर्क परमिट वीज़ा में आई थी, वो यहाँ पे फंस के बैठी है, वो अपनी अपनी कंट्री जाना चाहती है जॉब से रिलेटेड, रेजिडेंशियल वीज़ा से रिलेटेड। तो आज हम बात करेंगे, आपको पता है भाई, 1 अगस्त से सरकार ने कुछ कंट्रीज़ के लिए ये अच्छी न्यूज़ बबल्स अग्रीमेंट के तहत फ़्लाइटें स्टार्ट की हैं, जिसमें हम ओमान से रिलेटेड बात करेंगे और कतर से रिलेटेड। हालांकि बहरीन ने भी वर्क परमिट वीज़ा चालू कर दिया है भैया, उसका अलग से मैंने वीडियो डाला था। ओमान और कतर से रिलेटेड जी हां साथियों, फ्लाइटें इंडिया से स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके लिए आपको अपने नियरेस्ट एजेंसी से, एजेंट से आप टिकट बुक करके जा सकते हैं। वर्क परमिट वीज़ा वाले या कोई भी वीज़ा वाले, वीज़ा के अपडेट इसमें नहीं डाली गई है। बता दूं, अगर आप कतर या ओमान जाना चाहते हैं तो आपके साथ कुछ कंडीशन है भैया, तभी आप जा पाओगे, वहाँ पे ऐसे नहीं जा सकते। तो मैं आपको बता दूंगा पूरी डिटेल से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो मैं बता देता हूँ साथियों, कतर से रिलेटेड पहले हम बात कर लेते हैं। कतर अगर आप जाना चाह रहे हैं तो कतर, आप सुन लीजिए, 3 पॉइंट है इसमें गवर्नमेंट के द्वारा। कतर की केवल अस्थायी रेजिडेंसी धारक 1 अगस्त से, जी हाँ साथियों, कतर के केवल जिनके पासपोर्ट में वर्क परमिट वीजा लगा हुआ है, रेजिडेंशियल वीजा लगा हुआ है, वो ही जा सकेगा। अभी तक सरकार के पोर्टल से लौटने के लिए असाधारण प्रविष्टि परमिट प्राप्त करने के बाद देश की यात्रा कर सकते हैं भैया। वर्क परमिट वीजा वाले ही अभी अप्लाई करें, दूसरा बंदा नहीं कर सकता। जी हाँ, जिन यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति है, उन्हें अपने फ़ोन पे एहतराज, जी हाँ, ये वहाँ पर एक ऐप है, जैसे इंडिया में है ना आरोग्य सेतु ऐप, वैसे ये ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा। यात्रियों को देश में आने से पहले डिस्कवर कतर के माध्यम से 1 सप्ताह के लिए संगरोधक होटल बुक करना पड़ेगा। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि आपको 7 दिन के लिए होटल में क्वारंटाइन रहना पड़ेगा वहाँ पर, और एहतराज आपको ऐप है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। जी हाँ, 2 अपडेट हो गई, तीसरा अपडेट सुन लीजिए। उन्हें भारत में एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा केंद्र से प्रस्थान से 48 आवर्स पहले एक नकारात्मक COVID-19 PCR परीक्षण करना चाहिए। आपके पास साथियों, मैं बता दूं, PCR COVID-19 का आपके पास होना जरूरी है। आपके मोबाइल में एतराज ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, जो आपके आरोग्य सेतु ऐप इंडिया वाला है, सेम वैसा ही वो रहेगा, ठीक है। और दूसरा, 8 दिन के लिए आपको वहाँ पे होटल में क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, और वर्क परमिट वीज़ा वाले जा सकते हैं। ये 3 अपडेट मैंने आपको बता दी। अब ओमान से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। ओमान वाले भाई सुन लीजिए, ओमानी नागरिकों को ओमान में प्रवेश करने की अनुमति है। 14 दिन आपको होटल में क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, 14 दिन का है ओमान का। केवल उन्हीं यात्रियों को ओमान में प्रवेश करने की अनुमति है जिनके पास MEA या ओमान द्वारा उनके दूतावास या एक प्रायोजक के माध्यम से विशेष अनुमति आपको इंडियन एम्बेसी से या वहाँ से लेनी होगी, वही बंदा जा सकता है ओमान। सभी यात्रियों को अपने आगमन से पहले टारसेट प्लस आवेदन पर पंजीकरण प्रक्रिया डाउनलोड और शुरू करनी होगी। जी हाँ, पंजीकरण पूरा सिस्टम आपको शो करना पड़ेगा, ऑनलाइन पहले फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा। उन्हें संगरोध के दौरान पहनने के लिए अधिकारियों से कंगन प्राप्त, जी हाँ, एक हाथ में वो जो बोल सकते हैं इनको आप, उनके तरीके से कंगन टाइप जो पर वाच करेगा, ये समझ सकते हैं, नज़र रखेगा कि आप इधर उधर नहीं जा रहे हो 14 दिन क्वारंटाइन के टाइम। सभी आतंकों को ओमान में प्रवास की पूरी अवधि के लिए स्वास्थ्य बीमा होना जरूरी है। जी हाँ, आप समझ चुके हैं, आपके पास आपको COVID-19 इंश्योरेंस भी ओमान ने मांग लिया है। जी हाँ, हाथ में एक कड़े टाइप का होता है, वो आपका पूरा आपके ऊपर कवर, आपके ऊपर ध्यान रखता है कि भाई ये बाहर जा रहा है, ठीक है, 14 दिन क्वारंटाइन है, आपको इंडियन एम्बेसी से लिखित में इजाज़त लेनी पड़ेगी। ये 3-4 अपडेट ओमान से रिलेटेड थे, तो दोनों कंट्रीज़ के मैंने आपको बता दिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, जैसे कोई नई अपडेट आती है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।